हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। कार्ड सिमुलेटर 2 के और एक नए गेम प्ले में आपका स्वागत है। तो आज हम इस गेम प्ले में लाडा का प्रियोरा कार को अनलॉक करने वाले हैं, क्योंकि पहले इसका हम टेस्ट ड्राइव ले लें, क्योंकि पहले मैं इसका टेस्ट ड्राइव कर चुका हूँ, इसलिए टेस्ट ड्राइव लेना कोई बनता ही नहीं। और उसके लिए एक आर्ड भी देखना पड़ता है, तो रहने दीजिए, बीच गेम प्ले में वो सब कौन करेगा। और लाडा प्रियोरा को लेने के लिए हमारे मस्टंग के साथ जाएंगे। देखिए, सुपर कार को ले रहे हैं भी, नॉर्मल कार के डिलीवरी के लिए कोई नहीं चलता है, ये सब कार सिमुलेटर 2 में ही होता है। तो चलिए कार स्टेशन पर चलते हैं। आगे तो रास्ता नहीं है, यहाँ पर घूमना पड़ेगा। जगह बहुत बड़ा है, घूम जाएगा आराम से। स्लाइड दिख रहा है ना, उधर से ही मैं रास्ता पर जाएंगे। ट्राई करते हैं, होगा कि नहीं। मुझे लगता है पार हो जाएगा। अरे यार, गया, कोई बात नहीं, चलो उस तरफ स्लाइड से जम मारे। अब यहाँ से गिर रहा हूँ, साइड में रास्ता ही, ये रास्ता मेरे लिए नया है, कभी आया नहीं इस तो यहाँ पर, क्योंकि दिख रही नहीं होगी यहाँ पर, कोई मिशन का कुछ काम नहीं होता इस तरफ। और इस स्टेडियम में मुझे सिर्फ जो दो ड्रैग रेस है, 100 मीटर और 500 मीटर, वो दोनों ही सही लगते हैं। बाकी सब मिशन कचरा है, कुछ काम का नहीं। क्यों दिया है कार्ड सिमुलेटर 2 में मुझे पता नहीं। पहले चलिए शोरूम की तरफ चलते हैं और थोड़ा कार का आज अपग्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बिना अपग्रेड की भी रेसिंग करेंगे, देखेंगे पावर कैसा है, और अपग्रेड के बाद भी रेस के डिफरेंस पता चल जाएगा। मुझे लगता है अपग्रेड के बाद सिर्फ एक गियर, मतलब आज तक 5 गियर ही होगा कार में, जो अपग्रेड करेंगे तो 6 गियर हो जाएगा, ऐसे ही होता है। बाकी सब कार में हुआ था, ये कार में होगा लगता है। तो नॉर्मल कार का है, मुझे लगता है सिटी में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, शायद ऑफ रोड में उतना ना दे, लेकिन सिटी में रेसिंग में काफ़ी काम में आ गया है सब कार। और देखेंगे ये कार के मुकाबले इसके सेम लेवल वाला कार मिलता है या सुपर कार या कुछ मिलता है रेसिंग में। सो मुझे लगता है आ गया हम शोरूम के पास। हाँ, ये रहा शोरूम, इसका मतलब साइड में ही होगा, क्योंकि मैं पहले टेस्ट ड्राइव लिया था, मुझे पता है कहाँ पर कौन सा कार। क्लोज द डोर, बस हो गया। शोरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, कोई भी आ जाए। ये देखिए, ये रहा, वैसे दिखने में उतना बुरा नहीं लग रहा, अच्छा कार है। और सामने क्या प्रोजेक्टर लाइट है क्या ये जो। तो चलिए थोड़ा पैसेंजर सीट में बैठ लेते हैं, लुक ले लेते हैं। ये तो टैक्सी मिशन में टैक्सी वाला पैसेंजर बैठेगा, उसका लुक है। हम क्या बैठ देते हैं। पहले तो टेस्ट ड्राइव पैसा देखे हो जाता था, लेकिन अभी से जो आर्ट देखने का बोला है ना, गेम के पीछे कौन आर्ट देखेगा यार, फालतू लगता है। ये ठीक है, तो सिर्फ एक ही वो जो थेफ्ट वाला मिशन है भी देखिए काम आते ना, तो कुछ नहीं। यार बैक सीट का लुक, चलिए अनलॉक करते हो और रेस में इसको भगाते हैं। जल्दी आकार कहाँ गया, इतना लेट क्यों लग रहा है। तो आ गया बाहर का, अभी इतना गंदा क्यों है इसको। तो मैं चला यार, शोरूम से कार नया निकला, ऊपर से गंदा वाला मिलता है, तो पहले इसको वॉश करना पड़ेगा। ये सिटी में जो है उसके अंदर लेके वॉश करते फिर रेस में भागेंगे, नहीं तो ऐसे नया कार को ये गंदे रूप में चुप में भगाने नहीं है वहाँ पर। बहुत ही बुरा लग रहा है सर, नया कार खरीदो ऊपर से गंदा वाला। मुझे को लग रहा है जो टेस्ट ड्राइव लेते ना उसी टाइम में गंदा होते, फिर वाला चिपका देता है आपको। टेस्ट ड्राइव में वही से छोड़ो यार, गंजे दो घंटे लगाए से।
नया कार है ना, इसलिए थोड़ा स्टाइल से और घर के सामने पूरा पार्क है सीढ़ियों में चढ़ा के साला मानना पड़ेगा हमको भी। डोर तो बंद कर देते हैं पहले, अभी ये नहीं आ गया। हाँ बंद हो गया। और ये पुलिस वाले चले आते हैं यार, जब भी जाओ पुलिस नॉर्मल कार में क्या उतना स्पीड होता है जो इसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। नया कार को आज घुसा देते पुलिस स्टेशन के अंदर और एक रेसिंग करना बाकी रहेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।